हेलो डियर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम CBSE क्लास 10th, जो कि रियल नंबर, पहला लेक्चर मेरा हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3rd से चालू करेंगे और उसको समझेंगे, और इसके बाद जो भी कंसेप्ट होगा उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा जो कि रियल नंबर 1 का है, ठीक है, रियल नंबर चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3rd। तो पढ़िएगा, एक आर्मी है, आर्मी का कंटाइनमेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, वो मार्च कर रहे हैं एक आर्मी बैंड के पीछे। आर्मी बैंड के पीछे यानी उसमें 32 मेंबर्स हैं परेड में, और ये जो दो ग्रुप है ना, ये सेम नंबर में मार्च कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो आपको बताना है कितना मैक्सिमम कॉलम होगा जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। तो पहले देखो, यहाँ पर 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, आर्मी के, वो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं ना, 32 मेंबर्स हैं उस परेड में। तो आपको बताना है कितने कॉलम्स बनेंगे। देखो भाई, कॉलम का मतलब क्या होता है, देखिए पहले लिख लीजिए 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, 32 आर्मी बैंड है, क्या है, आर्मी बैंड है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है भाई, इनको कॉलम बनाना है, मैक्सिमम कॉलम में कितने मार्च करेंगे, ठीक है। तो देख, चीज सोचो, SCF हम निकालते थे ना, SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही तरीका यहाँ पर लगेगा। आप 32 यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइएगा, ऐसे कितनी बार में जाएगा सोचिए, यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, 616 32 1 28 तो बचेगा 8 बचा, ठीक है। अब 8 यहाँ पर आपका 19 लिखेंगे प्लस 8, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, ये बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर, ठीक है। अब तो ये ख़त्म हो गया, कैंसिल, बचा कौन, ये बचा और ये बचा, ठीक है, कोटेंट को नहीं लेते हैं। तो 32 इजक्ल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो आपका SCF कितना आ गया, 8। तो कितने कॉलम में मार्च करेंगे, 8 कॉलम में। 8 कॉलम का मतलब क्या है, देखो अगर 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 4, एक कॉलम में 4 लोग, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 87 जा 56 77, ठीक है, यानी एक कॉलम में 77 होंगे, समझ गए बात को। तो देखो, ये जो आर्मी कंटाइनमेंट था, ये इतने मेंबर्स थे लेकिन आर्मी बैंड इतना था, तो भाई हमें ऐसे अरेंज करना है, जैसे मान लो 4 आर्मी बैंड यहाँ पर हो गए, तो उसके पीछे कुछ मेंबर्स एम मेंबर्स हो गए, ये आर्मी बैंड हो गया, तो ऐसे ही कितने कॉलम बनेंगे, ऐसे ही 8 कॉलम बनेंगे। इसमें कितने लोग होंगे, 4 लोग, और इसके पीछे कितने लोग होंगे, 77 लोग, ठीक है, यानी आर्मी बैंड के पीछे मेंबर्स, यहाँ पर आर्मी बैंड के पीछे मेंबर्स, तो ऐसे कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो आपने समझ गया कि कितने कॉलम्स बनेंगे। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 देखिए, उसमें ये बोल रहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ और उसके हेल्प से प्रूव करो कि किसी पॉजिटिव इंटीगर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे m क्या है, इंटीजर है, m क्या है, इंटीजर है। और थोड़ा हिंट भी दिया है, मान लेते हैं कि x कोई पॉजिटिव इंटीगर है, ठीक है, वह इस ऑर्डर में है, तो हमें स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा। तो आप थोड़ा सोचो कैसे करेंगे, यहाँ पर बोला है किसी स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर, ठीक है, जैसे कोई पॉजिटिव नंबर लेना, उसका स्क्वायर करना, तो इस फॉर्म में सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। बोला क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर, यही बोला है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर, बोलेंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, 3m फॉर सम इंटीगर, बस यही दिया है, फॉर सम
इंटीजर, ये आपको गिवन है। सम इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर थोड़ा सा सोचो तुम, किसी भी पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो इस फॉर्म में होगा, यही हमें करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये थ्री से हम आइडिया लेंगे, ये थ्री वाला ही हमें आइडिया देगा और ये वन वाला। तो मान लेते हैं ए मेरा कोई एक नंबर था और बी की वैल्यू हम थ्री मान लेते हैं। देखो ये थ्री से आइडिया लगेगा, देखो लग रहा है ना, हर एक क्वेश्चन में आप आइडिया मिला सकते हो ऐसे। थ्री वाला ये बी का काम करता है, और आर क्या होगा आपका, आर की वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है या थ्री से छोटा होगा, क्योंकि कोटेन से छोटा ही होगा। हम क्या लगाएंगे, ए इजक्ल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू एक बार जीरो लेना, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, थ्री क्यू प्लस वन, फिर थ्री क्यू प्लस टू, ठीक है। यानी इतने कंडीशन हो सकते हैं ए के लिए, बात समझ में आई। जब इतने कंडीशन है तो हमें सॉल्यूशन करना है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हमें दिखाना है। तो भाई ये नंबर है, इस नंबर का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, नाइन क्यू का होल, सॉरी थ्री क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इजक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर मिलेगा। तो आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो ये फॉर्म आ गया। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, डिवीजन लेमा, क्यू इज इंटीजर, यही बोलते हैं ना हम लोग, क्यू इज इंटीजर। तो अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, जैसे टू का स्क्वायर करोगे टू टू या फोर, और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, भाई थ्री यहीं पर आने दो, थ्री क्यू स्क्वायर भाई। तो देखो यहाँ पे क्या लिखो, क्यू सिंस क्यू इज इंटीजर, क्यू क्या है आपका इंटीजर है, सो थ्री क्यू स्क्वायर इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। आज समझिएगा ध्यान से, हो क्या रहा है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें मालूम होता है, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, हमें ये मालूम है ये होता है, ठीक है। ए इजक्ल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी हमने पढ़ा है, ए इजक्ल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने ए की, ए को तो बी की जगह पर क्या मानना है, थ्री, देखो इसी से हमें आइडिया लगेगा, थ्री मानना है तो थ्री मान लिया, तो ये मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्क्वायर किया उस नंबर का, तो ये आया, तो हमें मालूम है क्यू इज इंटीजर। तो भाई इंटीजर में अगर थ्री से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का स्क्वायर कर दोगे तो इंटीजर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, थ्री एम मान लेते हैं, ये थ्री एम के बराबर है, एम इज आल्सो इंटीजर, एम इज आल्सो इंटीजर, उसमें दिया होगा एम के बारे में बताया होगा, एम इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। तो इतनी बातें आपने समझ लिया। अब देखो जब ये हो गया तो अब आप एक आइडिया लगाओ कि अब हमें नेक्स्ट वाला प्रूफ करना है। तो भाई हमने तो रिमाइंडर अभी जीरो रखा, अब ये वाला ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पहला हो गया कंडीशन प्रूफ। अब दूसरा कर रहे हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर इजक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, नाइन क्यू का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स क्यू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसको थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमें थ्री एम प्लस वन का फॉर्म लेना है, तो वन को तो हमें साइड ही में रख दो, ऐसे रख दिया वन को साइड में, हाँ रख दिया, ये दोनों बचे तो इसमें से थ्री बाहर निकालना है, प्लानिंग यही करनी है। तो थ्री बाहर निकालोगे क्या आएगा, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू, आ गया कि नहीं, बाहर मिला लो एकदम, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स। तो भाई अभी मैंने बताया क्यू एक इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर, यहाँ पर लिखोगे सिंस क्यू इज इंटीजर सो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस वन इज आल्सो इंटीजर, आज समझ गए, आल्सो इंटीजर। तो ये भी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये एम कोई इंटीजर था, थ्री एम प्लस वन के फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपको यही प्रूफ करना था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या हम इसको थ्री एम प्लस वन के रूप में कह पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
अगर मान लो आप इसको m नहीं लिखना चाहते तो आप इसको k2 भी मान सकते थे, ये k2 के फॉर्म है क्योंकि भाई थोड़ा अलग आ रहा है ना, इसको k1 मान सकते थे इस वाले वैल्यू को, ये k1 हो गया आपका, ठीक है भाई। कोई इंटीजर हो सकता है, k1 k2 मान लिया, तो 3k1 3k2 किसके फॉर्म होंगे, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म होंगे, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आप ये कह सकते हो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द आइदर फॉर्म 3m या 3m प्लस 1। आप यहाँ पे इसको k1 भी बोल सकते हो क्योंकि ये डाटा इससे थोड़ा अलग है कि नहीं, देख लीजिए डाटा अलग है ना, तो हम बोल सकते हैं k1 भी बोल सकते हैं, k2 भी बोल सकते हैं उसको। अब इसमें आपसे ये भी अलग ही पूछ सकता था 3m प्लस 2 के फॉर्म में हुआ कि नहीं, तो वहाँ पर भी आप क्या कर दोगे, रिमाइंडर 2 रख लेना, फिर स्क्वायर करना, 2 को साइड में रखना और बाकी सब चीज़ों को इंटीजर बना देना, तो 3m प्लस 2 के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप कर सकते हो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पर क्यूब करना है, क्यूब जब करेंगे ना किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो इस फॉर्म में आएगा, तो आप करिएगा, सेम यही तरीका है, आपको बस इंटीजर का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लो 14 लिखा, तो 14 को आप लोग पहले एलसीएम निकाल देते हैं, 2, 7, 14, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 और 7 यानी प्राइम नंबर आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह आपको बोल दिया जाए कि 108 का निकालो तो ऐसे निकालोगे 2, 2, ठीक है, ये भी क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बातें समझ में आ गई ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ये आप समझ लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जैसे सिंपल एलसीएम जैसे निकालते हो, 2 को कटाओ, 7, ये सब जो नंबर आ रहे हैं सब प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी उस नंबर का प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक देखो एच सी एफ कैसे निकालोगे, तो मान लो 2 नंबर दिया, इसी 2 नंबर को देखो, ये एक नंबर हो गया, एक ये नंबर, इनका एच सी एफ निकालना है, तो भाई इसमें कामन ये मिला और तो कोई कामन नहीं है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा बाबू, 2, ठीक है। तो ये एच सी एफ का तरीका समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एच सी एफ निकालने के लिए 80 है और यहाँ पर 48 है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 2, 2 जा 4, देखिए आ गया ना, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, 16, 3 जा 48। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसे मैंने बता दिया कैसे कटाते हैं, एक कॉमन, एस सी एफ क्या हो जाएगा, एस सी एफ इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, एचसीएफ आपको आ गया कि नहीं। तो ये आपके सिलेबस में है, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से एचसीएफ निकालिए। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, इसी में एक होता है एचसीएफ और एलसीएफ का मल्टीपल। आपके पास एक एचसीएफ दिया है किसी 2 नंबर का और एलसीएम दिया है 2 नंबर का, मान लेते हैं पहला नंबर क्या है आपका एक्स और सेकेंड नंबर क्या है आपका वाई है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लो 2 नंबर में ले रहा हूँ, देखो अभी प्रूफ भी कर देंगे, 8 और 6 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 8, 2, 2 इंटू 3, ठीक है, ये 2 मिल गया कि नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2, यानी प्यारे बच्चों एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो पड़े हो गए, ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है तरीका है, 2, 4, 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, एलसीएम कितना आ गया 24। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो देखो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 हैं यहाँ पे तो 2 में से कितना लेंगे, 1 थे, क्या लेंगे बाबू, 1 थे, एलसीएम के लिए कॉमन है तो 1 थे लेके, और बाकी सब चीज़ों को ऐसे ही रिपीट कर देंगे, जहाँ पे 2 लोग मिल जाएंगे, दोनों कॉमन हो गए तो 1 थे उसमें से लेंगे, आगे एलसीएम ऐसे। तो हमें क्या दिखाना था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो देखो एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम कितना आया इतना, पहला नंबर ये 8, दूसरा नंबर 8, ओह सही है यार, 48 48 दोनों आ गया, यानी हमारा फार्मूला क्या है, सही है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर,
ये रहा फार्मूला, तो इसको भी रख लीजिएगा अपने माइंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कंसेप्ट पढ़ना है, देख लीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, लिख देगा एच सी एफ 16, 18 इक्वल टू 2। अब बोल देगा एलसीएम बताओ 16 और 18 का, तो अब कर सकते हो इजली, तरीके मालूम है। अभी आपने पढ़ा एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, एल सी एफ 2 आया था, एल सी एम नहीं मालूम है। फर्स्ट 16 है, दूसरा 18 है, 2 8, तो एल सी एम कितना हो जाएगा 144। क्योंकि आप फार्मूला भी यूज करो ना, आप तो पढ़ लिया ना। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि इनको इधर ले जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन ये वाला तरीका सही है। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर आपने 10 लिखा तो यूनिट डिजिट 0 है, अगर आपने 22 लिखा तो यूनिट डिजिट 0 नहीं है, अगर आपने 25 लिखा तो यूनिट डिजिट 0 नहीं है, अगर आपने 60 लिखा तो यूनिट डिजिट 0 है। अब हम इसी को सोचेंगे, तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 10 2 11, इसका देखो 5 5 25। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देख चीज देखो, जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं कंपलसरी में, देखो यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 0 होगा, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है। तो जब 2 और 5 का होना ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो देखो ये कट जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई नंबर दिया हो और वो 2 और 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता हो, नीचे जैसे 2 और 5 के फैक्टर से, जैसे मान लो एक्स नंबर दिया और कम्प्लीटली कट गया, कट के कुछ कोटेंट आ गया, तो समझ जाना उसके एंड में क्या है, 0 डिजिट, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। तो टेस्टिंग क्या करेंगे कि अगर नीचे कोई भी 2 के पावर m 5 के पावर n है नीचे, ठीक है, और इससे ये कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है नंबर, तो आपका 0 उस नंबर में है। अगर सिर्फ 2 है तो नहीं कह सकते हैं, दोनों होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बातें समझ गए। अगर ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई नंबर है तो उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सिर्फ 2 आया उसमें और अदर नंबर आए 5 नहीं आया, तो क्या उसमें 0 होगा? नहीं होगा। देखो भाई, 0 आने के लिए ज़रूरी था कि 5 हो, यहाँ पर तो 2 था, कहाँ नहीं 0 हो गया, नहीं हुआ। तो 2 and 5 इज मोस्ट नेसेसरी फॉर ए नंबर गिव्स एट एनी प्लेस 0, ठीक है। और डिवाइड के लिए वही कंडीशन है, 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा, या 2 और 5 के, यानी 2 के पावर m 5 के पावर n से डिवाइड होगा, ठीक है। दोनों होना बहुत जरूरी है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? देखो, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक का मतलब 3 हो कम से कम, जैसे 10 लिख रहे हो ना, 1 होगा 2 होगा 5 होगा, यानी 2 से अधिक हो, सिर्फ 1 2 रहता तो नहीं होता, 2 से अधिक चाहिए तभी बात बनेगी। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो इसका फैक्टर 1 और 5 है, तो क्या है? कंपोजिट है? नहीं है कंपोजिट। तो कंपोजिट होने के लिए फैक्टर कितना होना चाहिए बाबू? 2 से अधिक। तो दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट इन विच फैक्टर इज मोर देन 2, समझ गए? तो कंपोजिट नंबर हो गया। इसी के बेस पर आपके सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे पहला होगा 1.2 का क्वेश्चन, तो इसमें बोला है कि एक्सप्रेस इच नंबर एस ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मैंने बता दिया, प्राइम फैक्टर का मतलब उस नंबर को ब्रेक कीजिए और उसका प्राइम वाला जो टर्म है वो लिख दीजिए। जैसे एक ठे मैं कर रहा हूँ, बस 140 है, 2 2 4 लिख दीजिए, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर हो, फैक्टर का मतलब नहीं जानते हो फैक्टर, तो यहाँ पर आई बटन क्लिक करना, वहाँ पर फैक्टर का एक मेरा वीडियो, उसे देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। तो फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे देखो 2 इसको कम्प्लीटली कटा देगा, 5 कटा देगा, 7, ठीक है।
पहले बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद वेरीफाई कराया, वेरीफाई मतलब दिखाना। तो भाई दो नंबर दिया है 26 और 91, इनका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, 13 7 × 13, भाई ये 13 मिला तो एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, 13। एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एलसीएम के लिए एल, मैंने बोला था जहाँ पे कॉमन है उसमें से सिर्फ एक लेते हैं एलसीएम के लिए, एक, और बाकी सब चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। 182 एलसीएम आ गया, 182। अब वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों, 182, एचसीएफ 30, फर्स्ट नंबर 26, सेकेंड नंबर 91। ये हो गया, इसको आप करिएगा ना तो ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाई हो गया कि नहीं, तो आपको वेरीफाई भी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वेरीफाई आना, ठीक है। तो सेकंड का भी क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे बोला है कि 6 के पावर n वाला नंबर, क्या इसको हम एक्सपेंड करेंगे n की किसी वैल्यू के लिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो क्या यह जीरो देगा। आप सोचिए, चेक 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है बाबू, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो भाई आप ऐसे रख के भी तो चेक कर लो, n की वैल्यू 1 रखो 6, n की वैल्यू 2, कहाँ दे रहा है। अब हम लोग का मैथ का तरीका अपना, तो 6 को हम ब्रेक करते हैं तो क्या मिला, 2 और 3। फिर 6 के पावर n लगाए तो यहाँ पर भी पावर लगाना पड़ेगा ना बाबू, पावर यहाँ पर भी लगा दो तो 1 power 2 के पास चला जाएगा n, 1 power 3 के पास। तो क्या इसमें 2 और 5 दिखा, नहीं दिखा, तो आपका यूनिट डिजिट भी जीरो नहीं होगा। अभी बोला था मैंने, कोई भी नंबर है, जैसे आप 20 लिख रहे थे, इसको ब्रेक किया तो ऐसे आया, 2 और 5 दिखना कंपलसरी था। एक और देख लो, 2 और 5 दिखना कंपलसरी था, तभी वो नंबर क्या था जिसका यूनिट डिजिट जीरो था, समझे। तो यूनिट डिजिट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये जीरो नहीं देगा, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कोई नंबर दिया है उसमें लिखा है कि 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6, ठीक है, ये दिया है, ये कंपोजिट नंबर है, बोला है इज आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर है, आपसे ही पूछा है। तो भाई कंपोजिट नंबर का मैंने बताया था, कम से कम 3 फैक्टर या अधिक से अधिक 2 से अधिक होना चाहिए, यानी 2 से अधिक फैक्टर होना जरूरी है। तो भाई पहला देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 13 का मान दिख रहा है ना, 7 × 11 + 1, 13 को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, आप इधर भी बाहर निकाल सकते हो, इधर भी देखो, ब्रेकेट हटता है तो मल्टीप्लाई ये होता है, अगर ये हटाओगे ना तो ये वाला इससे मिल जाएगा और ये वाला फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर 77 हो गया प्लस 1 × 13, यानी 78 × 13, 78 का टेबल याद है, 6 में 13 करो बताया जाएगा, 6 को भी ब्रेक कर सकते हो, 2 × 3 × 13, तो इसका ज़्यादा आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 13 आ गया। अब खुद एक भी तो एक फैक्टर होता है, सभी नंबर का एक फैक्टर है, एक सबको कटा देगा, सबको डिवाइड कर देगा, इसलिए इसमें क्या है, ये कंपोजिट है, तो ये क्या बोलेंगे, कंपोजिट है, ठीक है, कंपोजिट है। अब यहाँ तक बातें हो गई, अब आता है नीचे वाला, देखिए नीचे वाला क्या है, ये है, तो यहाँ पे इतने नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करते हैं,
नहीं, 5 4 5 ऐसे लिखेगा कोई बच्चा, तो क्या हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते थे? 5 ही कामा ले लेते सीधे, ये 5 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर, तो 5 कामा ले लो, 5 जैसे ही कामा लोगे तो यहाँ पर आएगा 1008 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1। तो फाइनली क्या होगा, एक तरीका ये था, ऐसे हमने किया तो 5 × 1009। आपको ये चेक करना है कि नहीं कंपोजिट। तो 1009 कैसा नंबर है सोचिए, 5 भी है एक नंबर, ये भी फैक्टर हो गया, और हर एक नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 होता ही है, तो ये भी एक फैक्टर मिल गया। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कम से कम 2 तो मिलने ही चाहिए, कम से कम 3 मिलना चाहिए, तो 3 मिल ही गया, 1 2 3। 1 तो सब नंबर का है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही।